दोस्तों, मैं अंकित पांडे फिर से आ चुका हूँ आपकी एक और करंट अफेयर की क्लास लेकर के। ये भी क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज के करंट अफेयर में हम कम से कम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसकी एडिशनल जानकारी के साथ, और एक क्वेश्चन से कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी किसकी क्लास है? ये हमारी करंट अफेयर की सेकेंड क्लास है। CA 2 मैं लिख दे रहा हूँ। जितनी करंट अफेयर क्लासेस चलेंगी मैं उसको बता दिया करूँगा। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स आए हैं वो पहले चैनल का सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। और ये जो क्लासेस हैं ये सारे वन डे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। तो आप में से कोई बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो देख सकता है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई? यहां पूछा है DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई, DRDO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड DRDO। DRDO की जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी कब? वो हुई थी आपकी पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, तब मैं आपसे बताऊँगा। ऑप्शन ए इज 1949, ऑप्शन बी इज 1953, ऑप्शन सी इज 1963 एंड ऑप्शन डी इज 1958। चलिए, ये तो ऑप्शन हो गया, इसकी एडिशनल जानकारी थोड़ी सी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसका पहला एडिशनल जानकारी क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ आएगा DRDO का? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आएगा। नई दिल्ली कहाँ है? देश की राजधानी है यार, पता तो होना चाहिए इतना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। 1958 में किसके द्वारा की गई थी? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये किसके लिए काम करती है आपकी? ये इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाने का काम करती है। और इसके अगर हम बात करें इसके चीफ कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। और इसकी स्थापना कब हो गई? 1958 में। यहाँ पे हो गया अपना पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन भी मज़ेदार ही है, आपको बस क्लास में बने रहना है और चीज़ों को आराम से सीखते हुए चलना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम, क्वेश्चन नंबर 2। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021, लिख दिया खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 में सबसे ज़्यादा मेडल्स किस प्रदेश ने जीते हैं? मेडल्स किस स्टेट ने जीते हैं? और ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश, AP लिखूंगा। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, JK लिखूंगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? लद्दाख। और चौथा ऑप्शन क्या है? अंडमान एंड निकोबार, ANN लिखूंगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार।
तो अगर इसकी हम बात कर ले तो इसको शुरू किसने किया, इस गेम का वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने इस गेम का उद्घाटन किया। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता? जम्मू एंड कश्मीर ने जीता। अब इससे एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन यही रहेगा। अब यहाँ पर बात आएगी कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 में जम्मू कश्मीर ने कितने मेडल जीते, J&K ने कितने मेडल जीते। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है मेडल के लिए 31, 39, 37 और 34। चलिए यहाँ पे मेडल आपका आ गया 31, 39, 37 एंड 34। बट हम क्या पहले जानेंगे यहाँ पे एडिशनल जानकारी। एडिशनल जानकारी में कि गोल्ड कितना जीता गया, सिल्वर कितना जीता गया और ब्रॉन्ज कितना जीता गया, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो गोल्ड जीता गया था वो 18 था, सिल्वर जीता गया था वो 11 था और ब्रॉन्ज जो जीता गया था वो आपका 5 था। सम कर देंगे कितना आएगा 34। ऑप्शन किस कहीं 34 है? जी हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या है 34। मतलब खेलो इंडिया में जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट रैंक हासिल की कितने मेडल के साथ, 34। ये भी याद कर लो, गोल्ड आए 18, सिल्वर आए 11, ब्रॉन्ज आए 5, सब जोड़े क्या आएगा 34। 34 मेडल जम्मू कश्मीर ने जीता। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको क्या है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम बना भी देंगे। यार हमारा काम क्या है, बोरिंग से बोरिंग क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना के समझाना, जिससे चीजें क्या हो आसानी से समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन एक आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या पूछा है, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से हटा दिया गया, J&K को कब यूनियन टेरिटरी से हटा दिया गया, यूटी से हटा करके स्टेट बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा करके स्टेट कब बनाया गया, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ, उसके बाद एडिशनल जानकारी 2017, 2018, 2020 और 2019। ये तो आपका ऑप्शन है, आप में जितने बच्चों को ऑप्शन पता हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि इसको कब यूनियन टेरिटरी से हटाया गया। लेकिन अभी बात किसकी आती है, अपनी एडिशनल जानकारी की। एडिशनल जानकारी में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ होती हैं, एक समर कैपिटल होती है और एक विंटर कैपिटल होती है। भैया समर कैपिटल विंटर कैपिटल क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब ठंडियों में बर्फबारी पड़ती है तो कैपिटल्स को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो समर कैपिटल होगी वो आपकी क्या होगी, श्रीनगर, श्रीनगर होगी। ये आपकी मई से लेकर के अक्टूबर तक वर्क करती है, मई से अक्टूबर तक आपकी श्रीनगर वर्क करेगी। और जम्मू ये आपकी अक्टूबर से ले नवंबर से लेकर के मार्च तक वर्क करती है। यह आपकी विंटर कैपिटल है जम्मू, समर कैपिटल है श्रीनगर। अब बात करते हैं कि इसको कब हटाया गया। उसके पहले जम्मू कश्मीर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, टोटल आते हैं आपके 20 डिस्ट्रिक्ट्स। और इसको हटाया कब गया था, इसको हटाया गया था आपका 31
10/2019। अब हमें क्या मिल गया 2019। ऑप्शन में कहीं 2019 है, ऑप्शन में कहीं 2019 है, बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा करके एक स्टेट का दर्जा दिया गया और 31/10/2019 को दिया गया। समर कैपिटल इज श्रीनगर, विंटर कैपिटल इज जम्मू, टोटल डिस्ट्रिक्ट इज 20। ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब बढ़ते अपने एक और मजेदार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा आपका साहित्य और से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे नजर डालते हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव को भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, 30वां बिहारी पुरस्कार का क्वेश्चन नंबर है, 30th बिहारी अवार्ड 2020 का विनर कौन है, 30th बिहारी अवार्ड 2020 का विनर कौन है। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन आप ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन क्या है, गिरधर, ऑप्शन बी इज शिवदास गडान, ऑप्शन सी इज मोहन कृष्ण बोहर, मोहन कृष्ण बोहर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, None of these। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन, ऑप्शन मिल गया, लेकिन अब हम बात किसकी करेंगे, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी मसाला ऐड करेंगे जिससे क्वेश्चन क्या बन जाए इंटरेस्टिंग। किस किताब को मिला है पहले तो ये जान लेते हैं। जो किताब है जिसको ये अवार्ड मिला तीसवा, ये मिला है तसलीमा। किताब का नाम क्या है, तसलीमा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, तसलीमा, तसलीमा बुक का नाम है। और इसका टाइटल क्या है, टाइटल भी आता है, टाइटल है संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य इसका टाइटल है। और इस ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में अवार्ड दिया गया था, देश की राजधानी, देश की जान, दिल्ली में अवार्ड दिया गया था। किताब का नाम क्या है, तस्लीमा, टाइटल क्या है, संघर्ष और साहित्य। अब पूछ रहा है कि कौन सा लेखक था जिसको ये अवार्ड दिया गया, तो ये थे मोहन कृष्ण बोहर जी की किताब थी तस्लीमा और टाइटल था संघर्ष साहित्य और इनको दिल्ली में अवार्ड दिया गया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है क्योंकि क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसे बन सकता है, सारी प्रोबेबिलिटीज पे हम बात करते हुए चलेंगे जिससे आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है जरा देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है बिहारी अवार्ड प्राइज मनी, बिहारी अवार्ड प्राइज मनी मतलब बिहारी पुरस्कार की धनराशि कितनी दी जाती है, जब कोई विजेता जीतता है तो उसकी धनराशि कितनी दी जाती है, इस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन ए इज 1 लाख, ऑप्शन बी इज 1.5 लाख, ऑप्शन सी इज 2 लाख और ऑप्शन डी इज 2.5 लाख। जब कोई ये अवार्ड जीतता है तो उसको जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से मैं बना रहा हूँ आपके लिए जो आपको और भी मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर सको, क्योंकि मुझे पता है कोई भी खबर आप पूरी नहीं पढ़ते, तो मैं ही क्यों ऐसा काम ना करूँ कि आपको पूरी जानकारी
जानकारी यहीं पर इसी चैनल पर आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहारी पुरस्कार केवल किन राज्य के लेखक को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है समझते हुए चलना है। बिहारी अवार्ड किस स्टेट को दिया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान एंड डी आपका क्या है, उत्तराखंड। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिहारी पुरस्कार केवल और केवल किसे दिया जाता है, बिहार। अरे नहीं, बिहारी नाम है तो क्या बिहार में दिया जाए, गलत। ये केवल और केवल दिया जाता है राजस्थान के लेखकों को, ठीक है। जो तस्लीमा बुक लिखी गई थी वहाँ की लोकल ट्राइब पर लिखी गई थी, जहाँ पे संघर्ष और साहित्य उसका नाम दिया गया था, टाइटल उसका, ठीक है। तो ये राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा तो हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से बनाते हुए चलना। आप बस बने रहिए, आपको मज़ा आता रहेगा और करंट अफेयर आप करंट की तरह से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। विच कंट्री डिड साइन अ ट्रीडी विथ इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन जरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है। पहला क्या है, ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी क्या है आपका यहाँ पे फिलीपींस, ऑप्शन सी क्या है आपका इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी क्या है आपका अफगानिस्तान। अब बात आती है क्या एडिशनल मसालों की, एडिशनल मसाले MDH मसाले, सच MDH। चलिए एडिशनल जानकारी, जरा जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल ये जो है 2.5 Mach की स्पीड से चलती है। 2.5 Mach इज इक्वल टू 4200 किलोमीटर पर आर, 2700 माइल पर आर और 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी रफ्तार है। मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब बात करते हैं किस देश के साथ मिलकर इसको साइन किया गया है। इसको किया गया आपका फिलीपींस के साथ। किसने किया है, इंडियन डिफेंस और फिलीपींस डिफेंस। तो राइट ऑप्शन हो गया बी, ब्रह्मोस की एडिशनल जानकारी, इंडियन डिफेंस ने और फिलीपीन डिफेंस ने मिलकर के 12 मिसाइल्स का 3D साइन की है, 12 मिसाइल्स की 3D साइन की है, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये था मज़ेदार क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस भारत का बहुत ही तगड़ा है, भारत की आर्मी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत आर्मी में से मानी जाती है। ये और आपको जानकारी मिल गई। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है यहाँ पे आपका, राष्ट्रीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक कौन है, IIT का फाउंडर कौन है, IIT का फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए क्या है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी
राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री मतलब समझ गए, जवाहरलाल नेहरू। 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया IIT बॉम्बे।